लाइक इन्होंने मेरी इतनी बिचिंग करी है ना के लिए, मुझे बोलने तो देख जज नहीं किया था किसी को, पर मैंने तो जज किया था ना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, यू वाचिंग मी तनुजा। नौकरी खाली और क्या। Hi guys, what's up you all? Welcome back to my channel. You're watching me, Tanuja, and my best friend today. We have a guest on my channel. She is my best friend. Her name is Monica. आपने इसको पहले मेरे vlogs में देखा होगा, इसके channel पे भी आपने मुझे देखा होगा. So Monica, you want to say something? क्या कहूँ? Hey guys, so my name is Monica and I'm a fashion and lifestyle blogger and her best friend. So आज मैं इसके घर आई हूँ, तो हम साथ में collab कर रहे हैं. So today we have decided to collab. If you guys don't know, she has her own YouTube channel. इसका अपना खुद का Instagram है and she is making some great and amazing content over there. तू इससे ज़्यादा अच्छा नहीं बना रही हूँ. नहीं bro, ये हम एक दूसरे के तारीफ. So for today's video, what I'm gonna do is ये Monica का makeup है जो इसने मुझे दे दिया है and ये मेरा मेकअप है जो मैंने इसको दे दिया. एंड व्हाइल वी गोना डू आवर मेकअप, आई एम गोना आस्क सम क्वेश्चन व्हिच आई आस्क्ड यू ऑन माय इंस्टाग्राम यस्टरडे. सो आई पोस्टेड अ Q&A एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो रिगार्डिंग लाइक आवर बेस्ट फ्रेंड एंड बेस्ट फ्रेंडशिप, तो वो हम आंसर करेंगे क्वेश्चंस. ज्यादातर मैं ही मतलब क्वेश्चंस पूछूंगी, आंसर भी करूंगी. विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. 1 2 3 फक इट. So guys, starting off with, I'm using, इसने मुझे दिया है शुगर का एक्योहोलिक प्राइमिंग मॉइस्चराइजर. आई हैव नेवर यूज्ड इट बट आई हैव हर्ड गुड थिंग्स अबाउट दिस फ्रॉम हर. एंड आई एम यूजिंग इनसाइड प्राइमर, 3-in-1 प्राइम्स, प्रोटेक्ट्स एंड मॉइस्चराइजर्स, लॉन्ग लास्टिंग, ऑयल फ्री. सिस इज गोना पुट मॉइस्चराइजर ऑन हर नेक. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि हम लोग कितने टाइम से फ्रेंड्स है, लाइक हाउ लॉन्ग वी हैव बीन फ्रेंड्स. एंड द सेकेंड क्वेश्चन वॉज कि हम फ्रेंड्स कैसे बने. सो मतलब मोनिका स्टार्ट करेगी. मैं 9th में आई थी, आई थिंक सतलुज में. मेरी फर्स्ट फ्रेंड जो बनी थी वो थी, हम नाम नहीं लेंगे. सो देयर वाज दिस गर्ल, क्योंकि उसके साथ बहुत कंट्रोवर्सीज हुई है स्कूल. सो गाइस, मैं फाउंडेशन स्टार्ट करें, आई एम यूजिंग दिस, इसको मुझे मेबेन का फिटने फाउंडेशन दिया है इन द शेड 228 सॉफ्ट टैन. एंड आई एम यूजिंग, ये कौन सा वाला है, ये सुपर स्टे मैट है. हाँ, मेबेलिन का सुपर स्टे मैट. इट्स बीन 8 to 9 इयर्स दैट वी हैव बीन फ्रेंड्स एंड लाइक बेसिकली हम बेस्ट फ्रेंड्स ही हैं. लाइक हाउ वी मेट, शी केम इन टू आर स्कूल, शी वॉज अ न्यू एडमिशन. तो जब ये आई, देयर वाज दिस गर्ल जिससे मेरी लड़ाई हो गई थी एंड आते ही शी बिकेम हर फ्रेंड. ओके, तो दुश्मन और दुश्मन की दोस्ती बन गई. सो आई यूज्ड टू लाइक जज हर अ लॉट, बट इनिशियली शी केम लाइक दैट. मैंने हमारी इतनी बात हो या कुछ भी बात नहीं होती थी. इसने उस लड़की से लड़ाई कर ली एंड फिर ये अपना दुखड़ा रोने लगा लो या कुछ भी लगा लो. अब दुश्मन की दुश्मन तो मेरी दोस्त हुई. तो फिर ये मतलब हमारे ग्रुप में इसका थोड़ा बहुत उठना बैठना हुआ एंड देन वी टोल्ड हर कि वो तो ऐसी ही है. एंड देन यू नो इवेंचुअली शी वी लाइक वी स्टार्टेड गेटिंग अलोंग एंड हम ऐसे करके फ्रेंड्स बन गए. हम स्कूल टाइम फ्रेंड्स हैं तो बढ़िया चल रहा है मतलब हमारा. सो गाइज, नेक्स्ट स्टेप, आई एम मूविंग ऑन विद कंसीलर एंड द कंसीलर शी हैज गिवन मी इज बाय स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर एंड आई एम यूजिंग फिट मी. इसका मेकअप का सामान तो आपको पता ही होगा ये कौन सा यूज करती है. यस, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो बिल्कुल इसके बाद में जाया था, दैट वाज की व्हाट वाज आवर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ ईच अदर. सो आई हैव अ लॉट टू से, सो आई विल टेल यू गाइस. उस टाइम पे ये बात है, 2012 की बात है ये. उस टाइम पे यार पफ चला हुआ था बहुत ज्यादा, ठीक है. एंड हम 9th में हुए हुए थे, तो वी वर ऑल टीनएजर्स एंड ये मैडम शी यूज्ड टू वेयर अ स्कर्ट बिल्कुल लाइक आई वॉज अ डम पर्सन बैक देन कि मैं उसको जज करती थी कि छोटी स्कर्ट पहनती है, बट ये पूरी मतलब घुटनों से एकदम ना एकदम छोटी सी ऊपर इसने अपनी स्कर्ट कटवाई और सॉक्स एकदम नीचे शॉर्ट वाली. एंड देन शी यूज टू वेयर बेबी लिप्स का लिप बाम, आई लाइनर, काजल एंड देन फिर ये भाई पफ करके आती थी. तो मैं मतलब जज बड़ा करती थी इसको कि यार मतलब शी इज लाइक सो यू नो आप करते हो, आप जलते हो बेसिकली, जज भी आप जलते हो यार ये कितनी सुंदर है, हम तो कैसे बेवकूफ से लगते हैं. मैं भी कितनी डम लगती थी उस टाइम. अब मैं अपनी फोटोज देखती हूँ ना भाई, ओ माय गॉड. मैंने मतलब बड़ी विजन करी हुई उस टाइम पे इसकी, मतलब जब ये हमारे ग्रुप में आए उससे पहले. बाद में तो ऑब्वियसली नो बिचिंग टाइप का सा. नाउ शी इज गोना टेल मी व्हाट वाज मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था. मैं आई थी एंड फर्स्ट पहले तो इससे मेरी बात नहीं हुई थी एंड मेरे को ये बहुत अच्छी लगी थी.
मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन मतलब जज वगैरह नहीं था, मतलब अच्छी है लड़की, पढ़ने वाली है ना, इतने लंबे लंबे लाइक कमर से नीचे तक के इसके बाल थे। तो ये सुबह सुबह आई एंड इसने अपने बाल इतने शॉर्ट करा लिए। हाँ, तो फर्स्ट टाइम मैंने उससे इससे अच्छे से तब बात करी क्योंकि मैंने इसके बालों पे कमेंट किया कि मतलब इतने बड़े बाल थे, कटवा लिए। तो उस टाइम से हमने बात करना ठीक से स्टार्ट किया। नाउ आई एम गोना गो इन विद पाउडर। फॉर पाउडर आई एम यूजिंग लैक्मे सन एक्सपर्ट। तूने मेरे को पाउडर नहीं दिया। मुझे दिया है यार ये अच्छा। ओके गाइस, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन शी आस्क्ड टू मी, मतलब मेरे क्यूएनए पे इसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज हर वियर्ड हैबिट जो मुझे अच्छी नहीं लगती चीज है, जो मतलब इट इज अ लिटिल बिट अनोइंग बिकॉज इट्स वियर्ड एज वेल। ये लड़की मतलब कितनी बड़ी है, ये कितने साल की है तू? इससे मैं 2 साल बड़ी हूं। मेरी बड़ी आई एम 21 आई एम 21 एंड शी इज 23 मैडम। जब मैं घर आएंगी ना, इनको वॉशरूम जाने के लिए एक जना बाथरूम के बाहर खड़ा हुआ है। मैं कह रही हूँ गली के बाहर से लेके सब पूरे बाथरूम तक की लाइटें जली हूँ, अंधेरा तो इतना डर लगता है इसको यार कोई आ जाए। मैं कौन आ जाए, मतलब जब हमारी फ्रेंड है हिकमत हरपुनीत तो वो अलग से बाहर जाके खड़ी हुई थी। मतलब जब भी हम नाइट स्टे करते हैं इसके घर पे, जैसे ये रूम है इसके रूम के बाहर ही ये इस तरफ वॉशरूम जाएगी नहीं। रात के 2 बज रहे हैं, हम 4 बजे तक हम अलग लाइने बना के खड़े हुए। अभी मोनिका गई है तो खड़े हुए इसकी चौकीदारी कर रहे हैं। ओके, अनदर क्वेश्चन जो मुझे ये आया था कि हाउ आर यू गाइज कोपिंग अप विद द लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, मतलब फ्रेंडशिप वाइज ड्यू टू लॉकडाउन। सो मैं पहले मतलब क्लियर बताती हूँ, 20th of May अराउंड समथिंग को यहाँ पे अनलॉक हुआ है एंड आई गेस 1st या 2nd June को हम लोग मिल लिए थे। सो द फर्स्ट थिंग मतलब लॉकडाउन खुलते ही जो हम पहली जगह गए हैं दैट वॉज टू मीट ईच अदर। ये सब लोग मेरे घर पे आए थे, ऑब्वियसली वी टू कॉल द प्रिकॉशंस, वरना तो सबसे पहले जो काम हमें करना था वो हम सब मिले हैं। एंड मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस वाली जैसे बात हो रही है, लाइक अगर ये यहाँ से चली जाए कहीं और रहने लग जाए एंड इसका मतलब ये नहीं कि हमारी फ्रेंडशिप टूट जाएगी या हम बात करनी, क्योंकि यार स्कूल टाइम में भी हम कहाँ मिलते थे, स्कूल में ही मिलते थे। हम लोग ऐसे हैं, हम लोग वो वाले फ्रेंड्स नहीं है जो रोज मिल रहे हैं। हम मतलब हमारा लॉकडाउन से पहले भी महीने में एक बार या दो बार ऐसा महीना होता है एंड स्पेशली लाइक कोरोना के टाइम पे तो हम डेफिनेटली हम सारे फ्रस्ट्रेट हो गए थे। वी वर लाइक कि हमें यार मिलना है बहुत टाइम, क्योंकि इतना टाइम तो हम ऐसे अवॉइड नहीं करते, 4 महीने। बट अच्छा, इसने मुझे ये ब्राउ पेंसिल दी है, दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी। यानी स्विस ब्यूटी की फैन है बहुत ज्यादा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, समबडी आस्क्ड मी टेल अस अबाउट वन गुड एंड वन बैड हैबिट ऑफ ईच अदर। मतलब मैं इसकी बताऊंगी एंड ये मेरी बताएगी। सो तू बता पहले, व्हाट डू यू लाइक एंड डिसलाइक अबाउट मी। नहीं मैं क्यों बताऊं पहले, लाइक वाले में ये है कि ना ये डाउन टू अर्थ है बहुत ज्यादा, मतलब इसके अंदर ना कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, एटीट्यूड अकड़ जो होती है, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट है, हमारी ब्राइटेस्ट स्टूडेंट थी स्कूल में सच में एंड ये हर चीज में ही बहुत अच्छी है। तो ये कभी भी उस चीज को वो नहीं दिखाती है कि लाइक मैं इतनी वो हूँ, वो वाली इसमें बात नहीं है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, हर चीज की ना रिस्पेक्ट करती है, इसके पास जो भी आता है जो भी होता है एंड इसको हर चीज की कदर है, लाइक पैसा हो कोई भी चीज की छोटी छोटी चीज हो, हर चीज की रिस्पेक्ट मतलब कदर करना कि हर चीज को संभाल के रखना। एक बार आज तक तुझे बताओ यार इसको थोड़ी सी भी ना चोट सी मतलब कोई मार दे, थोड़ा सा ही मार दे, इतनी बार मैंने नोटिस किया ऐसे कर दूं या कुछ भी कर दूं रोने लग जाएगी। से अपने भाई को चक्षु को मतलब चक्षु भी अगर थोड़ा सा एक दिन इसने कर दिया था चक्षु ने, और मुझे नहीं लगता कि इतनी जोर से वो लगा, क्योंकि मेरे लगता है तो मैं नहीं रोती हूँ, मेरी लग जाती है, ये रोने लग जाती है यार छोड़ जोर से लगी है ये, जाओ तू लोग यहाँ से। बहुत तेज मारते हैं मतलब तुम लोग ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं। एंड उससे पहले मैं बता दूं कि ब्लशर के लिए आई एम यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी का ये पैलेट है, इसके अंदर ब्लश एंड हाईलाइट के शेड्स दोनों, एंड आई एम यूजिंग मेबलिन न्यूयॉर्क फिट मी ब्लश। सो या मैंने बताना था कि मुझे इसकी क्या अच्छी बात लगती है क्या बुरी बात लगती है। आई थिंक जो मुझे बोलना है ना दैट इज अ वन एंड द सेम थिंग। अब तो 8 साल हो गए, शी इज नॉट माई फ्रेंड, शी इज माई फैमिली। तो इवन इफ यू लाइक गो अहेड एंड आस्क माई मॉम और लाइक अब मैंने किसी भी फ्रेंड से पूछोगे, दिल से मोनिका का दिल बहुत 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 ज्यादा साफ है। यू गाइस शी इज द मोस्ट इनोसेंट पर्सन यू विल एवर फाइंड। एंड हम इतना सोचते ही नहीं किसी
किसी भी चीज के बारे में, स्पेशली ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचती. शी इज लाइक, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, शी इज जस्ट सो ग्राउंड टू अर्थ, इनोसेंट, इतना मतलब जिसे कहते हैं ना साफ दिल है. मतलब मैं क्या ही बोल रहा हूँ, लाइक शी हैज द मोस्ट प्योर हार्ट. या यही इसकी बहुत अच्छी बात है. एंड ये बुरी बात भी इसलिए है क्योंकि इन चक्रों में देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स जिनमें शी हैज लाइक एंडेड अप हर्टिंग हरसेल्फ, या इसको इसने खुद को ही मतलब परेशान कर लिया. मैं क्या ही बोलूं कि ये इसने मुझे एक बड़ा ही सुंदर सा आई शेडो पैलेट दिया. ये मुझे गिफ्ट में मिला था, ज्यादा करने को मेरे को गिफ्ट में मिला हुआ है क्योंकि मैं लेती नहीं हूं. एंड इसमें बहुत प्यारे मतलब न्यूडेश एंड पिंकिश शेड्स हैं. सो वी विल सी व्हाट वी आर डूइंग. आई एम यूजिंग हर व्हिच ब्रांड इज दिस, ब्यूटी ग्लेज्ड ब्रांड का इसने नया लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि हैव यू गाइस एवर फॉट. सो ये मतलब पहले मैं आंसर करती हूँ क्योंकि आई थिंक इसको याद भी नहीं होगा. हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई है. बट हम लास्ट ईयर वी वेंट टू सूरज कुंड दिल्ली. अच्छा. हम रात को 3 बजे गए ट्रेन से एंड वहां पे हम पूरा दिन घूमे. एंड आई रियली वांटेड कि हम लोग नाइट स्टे कर रहे बिकॉज हम सबकी तबीयत, हम इतना थक गए थे, हमारे पैर दुख रहे थे, हमने 5 घंटे ट्रैवल करा था, फिर हम इतना थक गए थे. सो वी वर ऑल वांटिंग कि हम नाइट स्टे कर रहे. एंड दिस गर्ल ये टिकी हुई थी, मेरी मम्मी मानेंगे नहीं नाइट स्टे के लिए. और मम्मी कह रही थी जब मैं वापस आई ना, यार तुम्हें रुक जाना चाहिए था, तुम लोग पागल हो, तुम लोगों को घूमना नहीं आता है. मतलब लाइक सीरियस गाइस, हम लोग सुबह 3 बजे चंडीगढ़ से निकले थे और हम रात को 12 बजे वापस चंडीगढ़ में थे. तो सोच लो मतलब एक दिन में हम दिल्ली गए भी, दिल्ली वापस भी आए और घूम भी लिए. तो मेरा बहुत मन था कि हम नाइट स्टे करें, इसने नहीं करा. तो जब हम वापस आ रहे थे तो मैं पूरे रास्ते बहुत ज्यादा ऑफ थी, इससे बात भी नहीं करी, मैं बहुत ज्यादा ऑफ थी. एंड उसके बाद हम आ गए, ये अपने घर चली गई, मैं अपने घर चली गई, एक दिन हो गया. नाउ आई नो कि अभी हमारा ऑफ चल रहा है. और मुझे इतना बुरा लगा था. देन आई कॉल्ड हर, मैं लिटरली रो रही थी ना मैं इस टाइम जब मैंने फोन किया था. एंड शी वॉज ऑल्सो लाइक, मतलब इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था. जैसे मैंने इसको कॉल करा, ये मुझे कह रही है यार मैं तो नॉर्मल हूँ, तू क्यों रो रही है. एंड आई एम लाइक हुई तो थी मतलब लड़ाई, बाकी क्या हुई थी यार. मतलब वो लड़ाई नहीं थी बट हम ऑफ थे यार एक दूसरे से, हम बहुत ज्यादा. एंड अनदर क्वेश्चन जिसका आंसर अब ये करेगी कि हाउ डू यू गाइज स्कोप अप टू बीइंग बेस्ट फ्रेंड्स डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम दोनों एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, लाइक इंस्टाग्राम पे, मतलब यूट्यूब इंस्टाग्राम दोनों कर रहे हैं. सो उसमें मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि लड़ाई होगी या जेलेसी टाइप. तो वो गाइज इसके, इसमें मैं बस यही कहना चाहूंगी इसके और मेरे कॉन्टेंट में फर्क है. ठीक है, फर्क है. हाँ. ठीक है, ये अलग कंटेंट करती है और मेरा कंटेंट अलग है. जलने से, जेलस होने से या कुछ होने से क्या होगा, हमें साथ में मिलके हमें आगे बढ़ना चाहिए. इनफैक्ट हम दोनों ही, हमारी कोई कोलैब्स होती है, कुछ भी होता है, वी डिस्कस इट, हम सारा कुछ डिस्कस करते हैं. और ये इसका भी कुछ प्लान होता है, या मेरा, मैं कोई वीडियो बनाने वाली होती हूँ, मैं इसको बताती हूँ. बहुत ज्यादा डिस्कस करती हूँ, ये कम डिस्कस करती हूँ, बट मैं हर चीज इसको बता देती हूँ. बट ठीक है, अपना अपना होता है. इवन इफ शी सक्सीड्स मोर देन मी, कि मतलब एक दिन she blows up and she will get, मतलब मैं कहती हूँ 100,000 subscribers, I will be the first person to call her and congratulate her. हम लोगों की friendship यार Instagram तो अब आया है, हम लोग बहुत time से friends हैं. इसने भी उस गिव अवे में पार्टिसिपेट किया था एंड मैंने भी पार्टिसिपेट किया था. हाँ, मैंने जीत लिया. तो इसने, मेरे को पता नहीं था कि मतलब आया हुआ है, मैं तब इसे फोन पे बात कर रही थी, इसने चेक किया भाई मेरे से ज्यादा तो ये खुश हो रही थी, इतनी भाई चिल्ला रही है तू जीत गई है. उसके बाद मेरे को मैसेज कर रही है कि मेरे को दे दियो, मैं भी डालूंगी. So another question that was asked to me, this was like a very fun question, ki tell us an embarrassing story like jo hamare sath hui hai. So which was like, guys, she slapped me. ये हंस रही है शी स्लैप्ड मी भरे स्कूल में, भरे स्कूल में, भरे क्लास में शी स्लैप्ड मी चटाक. और हम खेल रहे थे तो खेल में थप्पड़ ऐसे उसके आंख पे बजा और मेरा चश्मा जाके इतनी दूर गिर गया, चश्मा मेरा टूट गया. और मुझे इतनी टेंशन हुई ना, मैं रोना आ रहा था, के सामने गिरा था, व्हाइट बोर्ड के सामने मुझे इतना रोना आ रहा है, मैं रो भी नहीं सकती, और बेइज्जती होगी. और ऊपर से बेस्ट फ्रेंड ने थप्पड़ मारा, लोग कहेंगे इधर इनकी लड़ाई होगी, लोग तमाशा देखेंगे. और मैं, मुझे अंदर से रोना आ रहा, मुझे टेंशन हो गया, शिट यार अभी मेरा चश्मा इसने तोड़ दिया है और मेरे घर में अलग खर्चा हो जाएगा, तो मुझे इतना डांट पड़ेगी. क्योंकि वी आर ऑल फ्रॉम लाइक एवरेज
इंडियन हाउस होल्ड फैमिली हम सब बड़े कंजूस होते हैं, कोलगेट को भी काटते हैं हम, सॉस में भी पानी डाल के बॉटल जब तक पूरी खाली ना कर ले, बड़ी दिक्कत थी। एंड शी गेव मी दिस ग्लिटर लाइनर, सो मैंने जो मतलब शिमर शेड लगाया था मैंने उसके ऊपर ही आई डिड अ लाइन, मैं अपना सिंपल ही रख रही हूँ। एंड फॉर मस्कारा आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन का हाइपर कर्ल लैश वॉल्यूम मस्कारा। सो नाउ आई एम यूजिंग दिस ये के ब्यूटी का, के ब्यूटी है, के ब्यूटी का मस्कारा, अभी तक तो इसको कोलैबोरेशन आई थी मेरे को नहीं आई। सो द लास्ट क्वेश्चन वाज कि हैव यू गाइस एवर डिस्कस्ड बॉयज टुगेदर लाइक बॉयफ्रेंड्स एंड एवरीथिंग एल्स। सो गाइस ऑफ कोर्स कौन सी गर्लफ्रेंड्स होती हैं जो बॉयज के बारे में डिस्कस नहीं करती हैं, लाइक और हमारा बहुत प्रोफेसर इज आवर म्यूचुअल क्रश, हमारे ग्रुप का क्रश है, प्रोफेसर का नाम रखा हुआ ग्रुप का जवाई। वी हैव सीन अ लॉट As friends, like together, we have been through a lot, ups, downs, careers, breakups, patch-ups, सब देखे एक दूसरे के, family problems. तो इसका makeup तो done हो चुका है and मेरा क्या रहता है? Highlighter. So guys, that's it for today's video. This is our finished makeup look. But this was a very fun video to film. Yeah. Actually, हमें बहुत मजा आया। That's it for today's video, guys. Thank you so much for watching this video. If you enjoyed watching this video, don't forget to like, share, subscribe to our channel. And comment down below कि आपको और कैसी videos देखनी है हम दोनों के साथ। I'll see you guys next time in my next video. तब तक के लिए bye bye, tata and namaste. If you enjoyed watching this video, don't forget to like, subscribe. पहले क्या बोल? Like, share, subscribe and comment.